हेलो जय हिंद, मैं महेश माली। इसके पहले के वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ मेरे विचार मैंने आपके सामने रखे थे। अब जब इस विषय के थोड़े गहराई में जब हम जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको देखकर इंसान सच में चौंक जाएगा कि सच में अपने कंट्री में एजुकेशन के नाम पर हो क्या रहा है। और फिर से बात घूम फिर कर एक ही जगह पर आती है और वो है टीचर्स की क्वालिटी। और फिर ये बात फिर से अधोरेखित हो जाती है कि सच में देखा जाए तो जब तक ये शिक्षकों का दर्जा सुधरेगा नहीं तब तक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना असंभव है। आज के लोकमत पेपर में गुरचरण दास, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के फॉर्मर सीईओ है, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है उसको 50% मार्क्स दूंगा। मतलब वो कहते हैं कि डेढ़ ताली, इसका मतलब 50% मार्क्स में दूंगा, पूरी के पूरे मार्क्स में नहीं दूंगा। और इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि आज के एजुकेशन सिस्टम भले ही डेवलप हुई उसके अंदर फिर भी कुछ कुछ चीजें इग्नोर की गई है। अब वो क्या क्या चीजें हैं? वो सबसे पहला सवाल यही उठाते हैं कि यूपी के टीचर्स की बात वो कहते हैं कि यूपी के जो टीचर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी अगर देखा जाए तो वो है 48,000, एक इंडियन के पर कैपिटा इनकम के 11 गुना ज्यादा सैलरी यूपी के टीचर को मिलती है। फिर भी वहां के बच्चों की जो हालत है बहुत खस्ता है, तो सैलरी रीजन है ही नहीं। वो कहते हैं कि अपने कंट्री में ऐसी कंडीशन है कि रोज 4 में से एक टीचर एब्सेंट रहता है और जो टीचर आते हैं वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनके हवाले से बता रहा मैं आपको। दूसरी चीज ये बताते हैं कि पिसा नाम का एक सर्वे किया गया था पहले, और उस सर्वे में टोटल 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उस 74 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया का रैंक था 73rd। अपने पीछे सिर्फ एक ही देश था, किर्गिजिस्तान। मतलब हम आखिर से, मतलब लास्ट से सेकंड थे। वहां पे बच्चों का पढ़ना, साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीन चीजों के ऊपर जब टेस्ट लिया गया, और जब इसके ऊपर यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कुछ ब्लेम हुए तो यूपीए गवर्नमेंट ने टेस्ट कैंसिल कर दिया। अगर अपनी गलतियां उजागर होती है तो गलतियां दिखाने वाले टेस्ट कैंसिल कर दो, ये बहुत सीरियस मैटर है। एक और इश्यू जो इसके अंदर है जो सोचने लायक ये है कि अपने कंट्री में तकरीबन 45% स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स की एवरेज फीस अगर देखा जाए तो वो 500 से 1000 रुपए पर महीना है। अब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी देखेंगे ना तो एजुकेशन की हालत उतनी अच्छी नहीं है। हम देखते हैं गवर्नमेंट एजुकेशन को सुधारने के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज देती है, बहुत सारा खर्चा करते हैं, टीचर्स के ऊपर इतना सारा खर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी 2 लाख से ऊपर है और वो क्लास कितने लेते हैं, ये अगर देखेंगे आप तो चौंकाने वाले आंकड़े आपको समझ में आएंगे, आपके ध्यान में आएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया, जो अलग अलग स्कूल में जाके सर्वे कर रहे थे, और एक स्कूल में जाके वहां पे 10 कंप्यूटर्स पड़े थे, वहां के भी उन्होंने सर्वे किया। कंप्यूटर का टीचर बोलता है कि यहां पे 10th बी के बच्चे कल आए थे और 10th ए के आने वाले हैं, और जब वो क्लास में जाके बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हम कभी कंप्यूटर लैब में गए ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट की सिस्टम सही है ना, फिर कम कौन पढ़ रहा है? टीचर्स। उनको अगर हम क्वालिटी देखकर अपॉइंट करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम पक्का बदलेगा,
सिलेबस बदलने से ज्यादा ये करना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं और बहुत सारी जगह पे ओरल एग्जाम होते हैं। ओरल एग्जाम का तो नाटक कितना चलता है आप सब लोग जानते हैं, कैसे ओरल एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, ओरल एग्जाम की सिस्टम कितनी ब्यूटीफुल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना अच्छा मालूम पड़ेगा। वहां पे कैसे कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो चार स्किल लगते हैं उसके अंदर, एक है रीडिंग स्किल, एक है राइटिंग स्किल, एक है लिसनिंग स्किल और एक है स्पीकिंग स्किल। आपकी राइटिंग स्किल क्या है ये तो एग्जाम में 80 मार्क के लिए समझ में आ जाता है, लेकिन आपकी रीडिंग स्किल क्या है वो उसके अंदर टेस्ट की जाती है। आपकी लिसनिंग स्किल क्या है, आपने जो सुना वो आप लिख सकते क्या, ये उसमें चेक किया जाता है। ओके, और आपकी स्पीकिंग स्किल क्या है ये आपको आपका चेक किया जाता है। लेकिन आजकल के ओरल एग्जाम का नाटक क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे तो सिर्फ बच्चों का नाम पूछ के छोड़ देते हैं, हो गए एग्जाम। तो सिस्टम अच्छी है, मतलब सिलेबस अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हैं क्या? जब तक ये नहीं सुधरेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगी। पेपर पे सब अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले सही नहीं है, उनको सुधारना बहुत जरूरी है। चाय पिए कभी आपने? एक घर में अगर चार लोग चाय बनाते हैं तो वही पत्ती, वही शक्कर, वही दूध, सब कुछ वही, लेकिन हर किसी के हाथ का जायका अलग अलग रहता है। वही काम टीचर्स करते हैं, हर टीचर का पढ़ाने का जायका अलग अलग रहता है, लेकिन ये जायकेदार टीचर होने चाहिए। टीचर ने अपने पढ़ाई में जान लगा देना चाहिए। एक जमाना ऐसा था जो टीचर्स के ऊपर स्कूल चलते थे, टीचर के नाम पे स्कूल चलते थे। आज की जनरेशन को देखो, आज भी वो ऐसे टीचर्स को याद करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी वजह से मैं था। फिर भले ही वो टीचर कितना भी मारते हो, कितना भी कूटते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आज भी याद करते हैं। आज जो 40 से लेकर 60 तक की जनरेशन है, उनको पूछेंगे तो बता देंगे कि हम टीचर्स की वजह से जो भी है वो, स्कूल की वजह से नहीं। सोचने लायक बात है, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होनी जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके ऊपर सोचेंगे और इसके ऊपर और बहस करेंगे। मैं फिर से मिलूंगा कुछ नए आंकड़ों के साथ, क्योंकि आंकड़े जब सामने हो तो लोग विश्वास करते हैं। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।